विराट कोहली ने दिया है उन सभी को जवाब जो उनकी पेटर्निटी लीव को कर रहे थे क्वेश्चन। विराट कोहली ने अपने जवाब से उन ट्रोल्स को कराया चुप जो उन्हें पेटर्निटी लीव के लिए कर रहे थे टारगेट। विराट कोहली का साफ कहना है कि वो वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ रहना चाहते हैं जिस वक्त उनका बेबी इस दुनिया में आए, और ये होगा उनकी लाइफ का सबसे स्पेशल और ब्यूटीफुल मोमेंट। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले जैसे ही न्यूज आई कि विराट कोहली अपने फर्स्ट बेबी की डिलीवरी के वक्त रहेंगे अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ मौजूद, और उन्होंने इसलिए बीच में ही ऑस्ट्रेलियन टूर को छोड़ने का फैसला किया है, ये बात कुछ नेटिजन्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने विराट कोहली के डिसीजन को ये कहते हुए क्वेश्चन किया कि उन्होंने पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी दी है ओवर कंट्री। दरअसल विराट कोहली इंडिया के लास्ट 3 टेस्ट मैचेस में अपनी पेटर्निटी लीव की वजह से नहीं हो पाए शामिल, लेकिन अब विराट कोहली ने अपनी पेटर्निटी लीव पर रिएक्ट करते हुए साफ कहा है कि उनके फर्स्ट बेबी की डिलीवरी उनके लिए है मोस्ट स्पेशल और ब्यूटीफुल मोमेंट, और वो इसे किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते। विराट कोहली ने कहा, आई वुड बी फ्लाइंग बैक आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट and that was purely based on the fact that we had a quarantine period both ways. I had explained the same to the selectors during our selection meeting, and I wanted to be back home in time to be with my wife for the birth of our first child. Virat Kohli ne aage kaha, it is a very, very special and a very, very beautiful moment in our lives, and something that I truly want to experience. So that was the reason behind my decision, which was communicated to the selectors during the selection meeting. Virat Kohli apni professional life ke saath saath apni personal life ko dete hain priority. Yahi wajah hai ki unhein jab bhi mauka milta hai, wo apni wife Anushka Sharma ke saath karte hain time spend. और अब जब उनकी लाइफ में एक और मेंबर शामिल होने जा रहा है, विराट कोहली इस मोमेंट को करना चाहते हैं फुल ऑन एंजॉय। वैसे विराट कोहली की पेटर्निटी लीव पर अब क्रिकेट वर्ल्ड से रिएक्शंस भी आ रहे हैं। लेजेंडरी क्रिकेटर कपिल देव का कहना है कि बैक इन द डेज ऐसा कर पाना किसी क्रिकेटर के लिए इम्पॉसिबल था। कपिल देव ने सुनील गावस्कर का एग्जाम्पल देते हुए कहा, सुनील गावस्कर डिडंट सी हिज सन फॉर मेनी मंथ्स। It was a different thing. If I talk about Kohli, when his father died, he came back playing cricket the next day. Today, he is taking leave for his baby. It's fine. You can afford it. आपको बता दें, सुनील गावस्कर 1976 में न्यूजीलैंड के टूर पर थे और वो अपने फर्स्ट बेबी को वेलकम करने इंडिया आना चाहते थे, लेकिन BCCI से उस वक्त उन्हें परमिशन नहीं मिली थी। कपिल देव का कहना है कि लेकिन अब वक्त बदल गया है, एंड ही इज हैप्पी फॉर विराट कोहली। आई फील हैप्पी एंड प्राउड दैट टुडे स्पोर्ट्समैन हैव रीच्ड अ लेवल वेयर दे कैन डू दिस। आई एम हैप्पी फॉर विराट। He is coming back to see his family. I understand you have passion, but the biggest passion is that he is having a baby. Well, Virat Kohli ki paternity leave ke decision ko abhi bhi kuch log question kar sakte hain. Lekin at the end of the day, har kisi ko apna decision lene ki azadi honi chahiye.